कंप्यूटर विद तेजस ठक्कर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 जावा प्रोग्राम में तीसरा प्रोग्राम जो है राइट जावा प्रोग्राम टू प्रिंट 0 to 10 यूजिंग फॉर लूप, यानी फॉर लूप का यूज करके 0 to 10 किस तरह से प्रिंट हो सकता है, इसके बारे में जावा प्रोग्राम में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं जावा प्रोग्राम 3 0 to 10 यूजिंग फॉर लूप। सबसे पहले आपको साइंटिला टेक्स्ट एडिटर आप देख सकते हो उसको ओपन करना है। यहाँ पर मैंने साइंटिला टेक्स्ट एडिटर जो है वो ओपन करके रखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अनटाइटल्ड इस तरह से दिखाई दे रहा है साइंटिला टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पर भी आपको फाइल का नाम जो है 1 अनटाइटल्ड इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको साइंटिला टेक्स्ट एडिटर शुरू करना है और इसके अंदर हमें प्रोग्राम टाइप करना है। सबसे पहले मैं कमेंट टाइप करूंगा स्लैश स्टार के साथ में प्रिंट 0 to 10 यूजिंग फॉर लूप, देन स्टार और स्लैश के साथ मैं कमेंट कंप्लीट करूंगा। उसके बाद पब्लिक क्लास और क्लास नेम इस तरह से मैं डिफाइन करूंगा, देन कर्ली ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन राउंड ब्रैकेट में स्ट्रिंग और आर्क्स राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, देन कर्ली ब्रैकेट फॉर लूप में इंटीजर i की वैल्यू सबसे पहले हम 0 लेंगे और उसके बाद i लेस देन इज इक्वल टू 10 तक उसका लूप रहेगा, और i प्लस प्लस यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम डिफाइन कर दें इस तरह से, देन कर्ली ब्रैकेट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में i की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट और लास्ट में ये कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो हमने पूरा टाइप कर दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में हमने इस तरह से कमेंट लिखी हुई है, जहाँ पर आप प्रिंट 0 to 10 यूजिंग फॉर लूप इस तरह से कोई भी आप कमेंट डिफाइन कर सकते हो। देन पब्लिक क्लास और क्लास का नाम आपने डिफाइन किया हुआ है, हम यहाँ पर जो भी क्लास का नाम डिफाइन करेंगे उसी से हम फाइल को सेव करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ ओपन किया और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देन राउंड ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और आर्क्स मीन्स आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन हुए और कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के बीच में हमने फॉर लूप डिफाइन किया हुआ है, जिसमें फॉर लूप के साथ में सबसे पहले डेटा टाइप यहाँ पे देख सकते हो आप इंटीजर वैल्यू है ये, जिसमें आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट पहले 0 हमने ली है और उसके बाद आई की वैल्यू जो है लेस देन और इज इक्वल टू 10 तक उसका लूप हमने डिफाइन किया हुआ है, और उसके बाद में आई प्लस प्लस मतलब कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और इस तरह से लूप डिफाइन करने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन में आई की वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको प्रोग्राम डिफाइन करना है, प्रोग्राम डिफाइन करने के बाद उसको सेव करना है, जिसके लिए आपको फाइल मेनू में जाकर सेव, यहाँ पर हम TEJAS तेजस 03.java इस तरह से हम टाइप करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तेजस 03 इस तरह से डिफाइन हो गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है क्लास का, वही हमने यहाँ पर भी तेजस 03 और डॉट करके हमने जावा एक्सटेंशन जो है वो डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह से आपको फाइल को सेव करना है। फाइल सेव करने के बाद आपको इसे कंपाइल करना है। आप देख सकते हैं टूल्स मेनू में यहाँ पर कंपाइल जो है, कंपाइल का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसका यूज करना है यहाँ पर आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन जो है वो कंपाइल का यहाँ पर दिया हुआ है। कंपाइल करने के बाद जिसे शॉर्टकट की भी आप देख सकते हो कंट्रोल F7 है, उसके बाद आप डायरेक्टली गो बटन का यूज करके उसको आप
रन भी कर सकते हो इस प्रोग्राम को, जिसकी शॉर्टकट की F5 है। अगर आप चाहो तो बिल्ड भी इसे कर सकते हो F7 के थ्रू, पर यहाँ पर हम कंपाइल और उसके बाद उसको रन करने के लिए गो बटन के को यूज करेंगे या F5 बटन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम, आप देख सकते हो टूल्स मेनू में हमने कंपाइल किया है, यहाँ पर इस तरह से एग्जिट कोड 0 दिखाई देना चाहिए। आप देख सकते हैं जावा सी तेजस 03.java, और यहाँ पर हम जो एग्जिट कोड 0, इस तरह से अगर आपका एग्जिट कोड 0 आ रहा है तो प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया है, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर एग्जिट कोड 1 आपको दिखा रहा है तो जो भी प्रोग्राम में एरर्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद फिर से आपको कंपाइल करना है, तो एग्जिट कोड आपको 0 मिलेगा। अब कंपाइल करने के बाद हम टूल्स मेनू में जाकर इसको गो बटन पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें आउटपुट जो है वो डिफाइन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 to 10 जो है इस तरह से प्रिंट जो है फॉर लूप के थ्रू आप देख सकते हो, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो एग्जिट कोड जो है 0 यहाँ पर डिफाइन हो गया है। तो दोनों में यहाँ पर एग्जिट कोड 0 आना चाहिए और 0 to 10 इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से आपको 0 to 10 फॉर लूप के थ्रू कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं लूप का यूज करके, ये प्रोग्राम इस तरह से आपको डिफाइन करना है और उसको कंपाइल और फिर गो यानी कि रन करना है और रिजल्ट आपको आउटपुट आपको दिखाना है।